बूंदी किसको पसंद नहीं होता है, सबको बूंदी पसंद आता है, वो भी रस भरी बूंदी हो तो सबको बहुत पसंद आता है। तो आगे आ रहा है विश्वकर्मा पूजा, गणेश पूजा, तो प्रसाद में जरूर बनता है बूंदी, तो इसलिए आज हमने घर पे बनाया है बूंदी, वो भी मार्केट जैसे बिल्कुल रेड और येलो कलर वाले, और जो खाने में बहुत ही टेस्टी, और इसको हम बिना झारा के बनाएंगे घर पे बहुत ही आसानी से और बहुत ही रसीली। देखिए बहुत ही खिला खिला बन के तैयार हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बूंदी की रेसिपी, तो देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है। हमारा बूंदी बिल्कुल रसीली है और बिल्कुल खिला खिला है, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो रेसिपी को जरूर देखना, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ आपको मेरा निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने एक कटोरा ले लिया है, उसी में से हम सारा मेजर करेंगे। तो यहीं पर मैं ले रही हूँ एक कटोरी बेसन। बेसन को हमने छाना नहीं है, अगर आप छानना चाहते हो तो ज़रूर छान के लीजिएगा। तो मैं ऐसे इसको ले रही हूँ और उसका गुठलिया थोड़ा सा मैं चम्मच की मदद से तोड़ दी हूँ। अब उसमें 2 चम्मच में डाल रही हूँ रिफाइन ऑयल, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हो। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब जितना बेसन लिए थे उसी कटोरी में हम ले लेंगे एक कटोरी पानी। तो पानी मेरा अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी मैं बाद में ऐड की थी, तो इसलिए टोटल एक कटोरी पानी इसमें लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम मिक्स करते जाएंगे पानी को, इसको इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे। शुरू से ही ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, और ज़्यादा थिक नहीं कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हमको बैटर चाहिए। तो इसको हम लगातार एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छे से फेंटना है, और थोड़ा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने जितना बचा था पानी उसको भी डाल दिया, और बाद में मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया था। तो इसको हम अच्छे से मिला देंगे इस तरह से। देखिए बैटर हमारा इसी तरह का होना चाहिए, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यही है हमारा बूंदी के लिए परफेक्ट बैटर। अब लास्ट में इसमें हम चुटकी भर ही डालेंगे खाने वाला सोडा। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे फटाफट से, और तेल भी मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। तो यहीं पर थोड़ा सा बैटर में एक कटोरी में ले लूँगी। हमने जो रेड कलर का बूंदी बनाएंगे उसके लिए हम थोड़ा सा चुटकी भर इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे रेड वाला, और उसको हम अच्छे से मिला देंगे। अगर आप ग्रीन वाला भी चाहते हो तो ग्रीन वाला भी इस तरह से बना सकते हो ग्रीन कलर डाल के। तो अगर आपके पास झारा हो तो आप झारे से भी बना सकते हो, लेकिन हम इस तरह का छन्ने से बनाएंगे। तो इस तरह का छन्ना हर किसी के घर में मिल ही जाएगा, तो छन्ने में हम बनाएंगे। तो इस तरह से हम बैटर को ले लेंगे, और ऊपर से तेल लेकिन अच्छा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा हाई भी नहीं लेकिन अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो ऐसे ही हम डाल देंगे। देखिए कितने अच्छे से गोल गोल मोती जैसा गिर रहा है हमारा जो बूंदी, बहुत ही आसानी से ही बन जाएगा, और हर कोई इसको बना सकता है आसानी से, झटपट से भी ये बन सकता है बिल्कुल इंस्टेंट। तो देखिए कितनी अच्छे से बन के रेडी हो रहा है हमारा बूंदी। तो इसको हम अच्छे से 2 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम में ही इसको हम पका लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये। तो 2 मिनट के बाद इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम सारे बूंदी को रेडी कर लेंगे, येलो कलर का जो होता है उसको हम रेडी कर लिए हैं। देखिए ये बहुत ही झटपट बन जाता है बहुत कम समय में। तो उसी तेल में हम फिर से डाल देंगे जो हमने कलर वाला बूंदी के लिए बैटर रखा था, उसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए वो भी धीरे धीरे गिर रहा है, मोती जैसा बिल्कुल लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो जैसा कि कलर कलर होता है ना बूंदी खाने में, बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है, और प्रसाद के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। तो आगे जो पूजा आ रहा है तो आप घर पर ही बूंदी बना के तैयार कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए हमारा जो कलर वाला बूंदी है वो भी रेडी हो गया है, उसको भी हम निकाल लेंगे। बहुत ही कम समय में देखिए हमारा बूंदी बनके तैयार हो गया है, और इसके लिए हम चाशनी भी बनाएंगे। तो देखिए आप इसको स्टोर करके बूंदी का रायता भी बना सकते हो, किसी भी सब्जी भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोनों बूंदी हमारा बनके तैयार हो गए। तो चलिए चाशनी की तरफ। तो यहाँ पर हमने जितना ही बेसन लिया था उतना ही ले रहे हैं चीनी,
और जितना चीनी उतना ही पानी इसमें हम डालेंगे। और इसको हम कोई तार वगैरह नहीं चाहिए, बस चिपचिपा होने तक हम इसको पकाना है हाई फ्लेम में। तो गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से उबाल आने देंगे। उसके बाद एक इलायची को हम कूट के इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम उबाल लेंगे। 2 से 3 मिनट में हमारा चाशनी बन के तैयार हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखिए हाथ में सिर्फ चिपचिपा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए हमारा चाशनी बन के तैयार हो गया है। तो इसमें हम बूंदी को ऐड कर देंगे, लेकिन गैस का फ्लेम को हम लो ही कर देंगे। अभी जो हमने बूंदी रखा था उसको डाल देंगे। दोनों बूंदी को एक साथ ही डालेंगे। ये प्रसाद के लिए बेस्ट है दोस्तों। अगर ये रेसिपी आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप लोगों को निवेदन है मेरा। तो देखिए हमारा सारा बूंदी रस में हमने डाल दिया है और उसके साथ एक चम्मच हमने जो मेलन सीड्स आता है उसको डाल दिया है। मार्केट में ऐसे ही डालते हैं और बहुत ही अच्छा रहता है, तो ज़रूर डाल के देखिएगा। अगर आपके पास केसर हो तो वो भी ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो मेरे पास नहीं था तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। तो देखिए इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से जला लिए हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ। देखिए हमारा रस भरी बूंदी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है खाने में। जब बच्चे लोग को मन करता है तो निकल निकल के खाएंगे, बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए खिला खिला बूंदी हमारा बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल रस भरी है और बिल्कुल मोती जैसा लग रहा है ना, मार्केट जैसा। तो घर पे बनाइए और खाइए। तो हमारा बूंदी या बुनिया बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। तो फिर मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतने टाइम तक मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।